बाबू सिंह कुशवाहा के रैलियों में उमड़ रही भीड़ के क्या है सियासी मायने। दलित पिछड़ा मुस्लिम भाईचारा सम्मेलनों के जरिए बाबू सिंह कुशवाहा ने बनाया मजबूत राजनीतिक समीकरण। दलित पिछड़ा सियासत के पुराने खिलाड़ी काशीराम के सहयोगी रहे बाबू सिंह कुशवाहा बना रहे हैं जन अधिकार पार्टी को बहुजन समाज का नया ठिकाना। कभी बसपा संस्थापक कांसीराम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दलित पिछड़े और गरीबों के आंदोलन को पूरे उत्तर प्रदेश में एक सुनियोजित रूप से संगठित करने वाले बाबू सिंह कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी और मायावती के नेतृत्व से अलग होने के बाद नए सिरे से पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और सभी वर्गों के गरीबों को जन अधिकार पार्टी के झंडे के नीचे लाने के बड़े अभियान में जुटे हैं। इस अभियान में उनकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर उनका मजबूत संगठन है, सभी जनपदों में उनके कार्यालय संचालित हो रहे हैं और सभी जिलों में वह सफलता के साथ दलित पिछड़ा मुसलमान भाईचारा बनाओ सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में जन अधिकार पार्टी के सम्मेलन हो रहे हैं, जिनमें लाखों की संख्या में सभी वर्गों के लोग रुचि ले रहे हैं। सम्मेलनों में उमड़ रही भारी भीड़ इस बात का प्रतीक है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के बाद पांचवी राजनीतिक शक्ति का उदय हो रहा है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत पर बाबू सिंह कुशवाहा देश में संविधान के मूल्यों को धरातल पर ईमानदारी के साथ लागू करवाना चाहते हैं। उनके मुताबिक वह किसी भी वर्ग के विरोधी नहीं है, वह चाहते हैं कि सभी वर्ग के लोगों को देश में सम्मान अवसर प्राप्त हो, सभी के मान सम्मान और सुरक्षा की गारंटी हो। इसके अलावा देश में अमीर गरीब और सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षा लागू हो, जिससे देश में एक समान स्तर की शिक्षा को ग्रहण करके समानता के सिद्धांत पर यकीन करने वाली युवा पीढ़ी तैयार हो, जिसमें समरसता की भावना हो, किसी तरह का वर्ग विभेद ना हो। बाबू सिंह कुशवाहा की इन बातों को सुनने के लिए उनके रैलियों में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अपने दम पर एक बड़ा संगठन खड़ा करने के बाद बाबू सिंह कुशवाहा अपनी जन अधिकार पार्टी को उत्तर प्रदेश में पांचवी राजनीतिक शक्ति के रूप में तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। सपा बसपा जैसे दलों से मोह भंग होने के बाद बहुत से लोग उनकी पार्टी से जुड़ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक 2022 के चुनाव में उनकी पार्टी एक बड़ी भूमिका तय करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक सीटों पर उनकी पार्टी किसी भी बड़े राजनीतिक दल का खेल बना सकती है और बिगाड़ सकती है। दर्जनों सीटों पर उनके ऐसे मजबूत प्रत्याशी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने सभी बूथों पर अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारी तैनात कर दिए हैं और चुनाव जीतने के लिए जन समर्थन भी उन्हीं को मिल रहा है। द इंडियन ओपिनियन, लखनऊ।